दोस्तों टाटा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा वी कनेक्टर वी एक्स डी आई जी हार्डवेयर टाटा मोटर ट्रेनिंग सर्विस सपोर्ट चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके बाराबंकी से मेरे फ्रेंड, इनके पास एक टाटा एस्कॉर्ट BS6 गाड़ी आई है और वो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है SCR फॉल्ट का। तो आज मैं इनको बताऊंगा कि SCR फॉल्ट पे किस तरीके से काम किया जाता है, कौन सा कोड आने क्या किया जाए, कौन सा पैरामीटर चेक किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए लैपटॉप कैसे कनेक्ट करते हैं। टाटा एस्कॉर्ट BS6 गाड़ी है, SCV की 700 CC इंजन। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे BS4 एक BS6, तो ये 700 CC यूरिया वाली जो गाड़ी आई है वो BS6 गाड़ी आई है। सबसे पहले BS6 सेलेक्ट करेंगे ऊपर, फिर उसके बाद व्हीकल प्लेटफॉर्म में आप जाके SCV के बाद 700 CC इंजन सेलेक्ट करके इस तरीके से इंटरफेस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको EMICC ओपन करना है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाके। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले ये लिखा होता है EMICU। तो जब आप EMICU ओपन करेंगे इस तरीके से, देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए लैपटॉप किस में कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग को ये क्लियर आइडिया नहीं होती कौन से गाड़ी है किस में लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो इसको उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप ये जान लीजिए लैपटॉप किस में कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग EMICU ओपन कर लिए, ये देखिए EMICU ओपन हुआ। अब ये जान लीजिए, पहले सबसे पहले आप ये ध्यान देखिए इसमें कितने कोड बन रहे हैं। टोटल 3 कोड बन रहे हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद आप ECU डिटेल चेक कर लीजिए। नॉर्मली ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं ECU डिटेल चेक करने का, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर चेक कर लेंगे तो आसानी होगा आपको समझने में। और अब बात करते हैं पैरामीटर, कौन कौन सा पैरामीटर सेलेक्ट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सा पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पैरामीटर है कूलेंट टेम्परेचर का, और आपको अगर आप मेरे से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई भी डिवाइस लेते तो आपको एनी टाइम सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ऐसे भी सर्विस सपोर्ट चाहिए तो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। आपको टाटा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा वी कनेक्टर VX DIG हार्डवेयर जाल टेस्ट का हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सर्विस सपोर्ट चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। तो अभी हम लोग पैरामीटर ये देखिए कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है SCR फॉल्ट से रिलेटेड, जैसा कि आपको चेक करना है पंप का प्रेशर चेक करना है, यूरिया लेवल इन MM, लेवल इन लीटर, और उसके बाद यूरिया कंस्ट्रक्शन, यूरिया कंजप्शन, और उसके बाद ये सारी चीज़ आपको यूरिया टैंक टेम्परेचर सेलेक्ट करना होगा। यूरिया लेवल इन MM में सेलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यूरिया लेवल इन लीटर में भी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि कितना लीटर यूरिया ही है मालूम पड़ सके, और यूरिया का क्वालिटी कैसा है। इसीलिए यूरिया कंस्ट्रक्शन ये देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया अभी, इतना सारा आप ऑप्शन सेलेक्ट करके अब SCR फॉल्ट पे काम कर सकते हो आसानी से। ये देख रहे हैं जैसा कि इसमें एक्सीलेटर पेडल पोजीशन 0 बता रहा है, यूरिया डोजिंग क्वांटिटी 0 बता रहा है, और यूरिया पंप का प्रेशर ये देख रहे 1575 बता रहा है। लेवल इन लीटर, लेवल इन MM में सही है, इसका ECR है यूरिया डोजिंग क्वांटिटी में। तो हम लोग यूरिया जो डोजिंग क्वांटिटी वो अभी हम लोग चेक करेंगे डोजिंग क्वांटिटी। तो जैसा कि मैं इनको बताया यूरिया इंजेक्टर आपको चेक करने के लिए, क्योंकि कैसा है इसमें सारा चीज़ ओके था और यूरिया इंजेक्टर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इनको बोला यूरिया इंजेक्टर चेंज करिए, और यूरिया इंजेक्टर चेंज करने के बाद गाड़ी को ट्रायल करिए। तो जैसा कि यूरिया इंजेक्टर चेंज करने के बाद ये क्लस्टर मीटर का मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखा देता हूँ जी, क्लस्टर मीटर में कैसा आपको दिखाई दे रहा है, और उस तरीके से आप जान लेंगे गाड़ी हमारा सही हो गया कि नहीं सही हो गया। मैं आपको क्लस्टर मीटर वाला पिक्चर दिखाता हूँ। तो जैसा कि देखिए इसमें इंजेक्टर को क्लीन करने के बाद, जब इंजेक्टर क्लीन किए तो उसके बाद ये देख रहे हैं MILM चला गया। अभी ये गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर रनिंग पे चलाएंगे तो इस कंडीशन में चेक लाइट जो है आपकी चली जाएगी और यूरिया पूरा फुल बताने लगेगा। इस तरीके से मैं आपको, आप मेरे से डिवाइस लो या आपको अगर सर्विस सपोर्ट दे तो मैं आपको एनी टाइम सर्विस सपोर्ट देता हूँ। ये देखिए जो आपको क्लस्टर मीटर का पिक्चर दिखाया रात का था, रात को मैं इनको 10 बजे के बाद सर्विस सपोर्ट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं आप मेरे से डिवाइस लो या ना लो, आप किसी से भी लो, लेकिन आपको सर्विस सपोर्ट चाहिए तो एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एनी टाइम सर्विस सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड होता है तो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हमारे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं यस ऑटो माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।